हेलो साथियों, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूँ। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो भाई, आज का अपना स्पेशल सेशन है जो कि हम लोग करने वाले हैं भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट के ऊपर सेशन करने वाले हैं। तो देखते हैं कि भाई कितना आप लोग को चीज़ें याद हैं। और हाँ, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वह अपनी चीज़ों को लेकर के नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। साथ ही यहाँ पे परचम बैच के बारे में याद रखिएगा, सुपर 50 कोड के साथ में आप लोग अभी भी परचम बैच को परचेज यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही CHSL SSC CHSL के लिए अल्फा बैच आप लोग परचेज कर सकते हैं जो कि 50% डिस्काउंट के साथ में आप लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब जल्दी से यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं अपना यहाँ पर कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इसमें किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है यह आप लोगों को बताना है। बताएंगे यहाँ पे कि यह जो कि यहाँ पर रैंक जारी की गई है, इसमें किस राज्य को प्रथम स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है, बताएंगे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तहत। बताएंगे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तहत में किस राज्य को यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, बताएंगे। चलिए बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा देखो, यदि हम इसकी बात करते हैं तो यह जो कि इंडेक्स है वह किसके द्वारा जारी की जाती है, नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर जारी की जाती है और इसमें कर्नाटक राज्य। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन सा है, यह आपको बताना है। सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिजोरम। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा घिरे हुए राज्य की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मध्य प्रदेश। देन नेक्स्ट है हमारा कि भाई नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है, बताएंगे उच्च शिक्षण संस्थान यहां पर कौन से हैं, यह आप लोगों को बताना है, आंसर कीजिएगा। उच्च शिक्षण संस्थान यहां पर कौन से हैं, उच्च शिक्षण संस्थान यहां पर कौन से हैं यह आपको बताना है, ठीक है। बताएंगे किसके द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा कौन सा यहां पर आपका प्रथम स्थान पर है। चलिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, IIT मद्रास, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट है हमारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन से राज्य को यहाँ पर प्रथम स्थान यहाँ पर प्राप्त हुई है यह आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिएगा, प्रथम स्थान जो कि है भाई वह कौन से राज्य को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। देखो सतत विकास की जो कि रैंक है ना, वह अलग अलग फील्ड में जारी की गई है। जैसे कि गरीबी नहीं होने वाली रैंकिंग में बात करें, मतलब जिसमें कि सबसे कम गरीबी है उस रैंकिंग में बात करें, केरल राज्य इसमें प्रथम स्थान पर है। भूखमरी रैंक की बात करें कि जिस राज्य में बिल्कुल भी भूखमरी यहाँ पर नहीं है, भूखमरी नहीं वाला राज्य केरल है। और अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, गरीबी नहीं वाले राज्य की बात करते हैं तो उसमें तमिलनाडु टॉप पर है। तो इस तरह से ना अलग अलग में जारी की गई है यह रैंक। और ओवरऑल की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर केरल राज्य प्रथम स्थान पर है, ठीक है, जो कि SDG मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि कितने हैं 17 गोल्स यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं कि 17 गोल हमें अचीव करने हैं। उसके तहत भारत में हर वर्ष यह देखा जाता है कि भाई कौन सा राज्य है जो कि सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है, तो उसमें टॉप पर कौन सा है, यहाँ पर केरल राज्य है। इसके साथ ही सेकंड नंबर पर हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु को स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान दिया गया है इन्हें, इन्हें सेकंड स्थान यहाँ पर दिया गया है, याद रखना, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भाई हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने, सबसे बड़े दानवीर यहाँ पर कौन बने हैं, बताएंगे सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं, आंसर कीजिएगा। चलिए बताएंगे यहाँ पर क्या हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा,
बताएंगे। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा ने 102 अरब डॉलर, अरब डॉलर लास्ट 100 इयर्स में यहाँ पर दान किए हैं, और यह जो कि रैंक है वह 50 दानवीर, मतलब कि जो कि डोनेट करते हैं उनकी रैंकिंग में जारी की गई थी, जिसमें कि कौन है, जमशेद जी टाटा इसमें टॉप पर हैं। देन नेक्स्ट है हमारा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार 18 बड़े और मध्यम श्रेणी वाले राज्यों में, मतलब कि 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या में प्रथम स्थान कौन से राज्य को यहाँ पर प्राप्त हुआ है बताना है। यहाँ पे ये देख लेना कि इसमें आपसे बात की गई है कि अगर हम 18 बड़े राज्यों में, और 18 बड़े राज्य वो कौन से हैं जिसमें कि 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, उसमें यदि हम प्रथम स्थान की बात करें तो कौन से राज्य को यहाँ पर प्रथम स्थान दिया गया है, क्या हमारा आंसर यहाँ पे अपना रहेगा, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पर है। सेकंड की बात करेंगे तो तमिलनाडु है, और यदि हम थर्ड की बात करेंगे तो कौन सा है यहाँ पे, तेलंगाना राज्य इसमें किस पर है, थर्ड पर है। द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्यायपालिका की सुविधा देने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य यहाँ पर आया है, जिसने की न्यायपालिका की यहाँ पर सुविधा दी है, बताएंगे कौन सा राज्य इसमें प्रथम स्थान पर यहाँ पर आया है, न्यायपालिका, न्यायपालिका सुविधा देने में कौन सा राज्य आया है, तमिलनाडु, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तमिलनाडु। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार बेहतर जेल, बेहतर जेल, बेहतर जेल सुविधा दिलाने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आया है, राजस्थान, कौन सा राजस्थान राज्य इसमें प्रथम स्थान पर है। देन नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर पूर्वी जिला, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, कौन सा जिला यहाँ पर प्रथम स्थान पर है, बताएंगे कौन सा जिला इसमें प्रथम स्थान पर है, कौन सा है यहाँ पर, सिक्किम, पूर्वी सिक्किम जिला इसमें फर्स्ट पर है, यह सेकंड पर है, उत्तरी त्रिपुरा, पश्चिमी त्रिपुरा थर्ड पर है, और फोर्थ पर है कौन सा यहाँ पर, किफाइडर जिला, जो कि नागालैंड का है, जो कि किसका है, नागालैंड का है, ठीक है। चलिए देन नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे बताएंगे आप लोग आंसर करके यहाँ पे क्वेश्चन में कि भाई उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2021 के अनुसार कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, चलिए इसमें जरा बताएंगे क्या हमारा यहाँ पे अपना आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर कीजिएगा क्या हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा, ये ना आपका उच्च शिक्षण कौन सा के अनुसार, कौन सा ये जिला नहीं होगा यहाँ पर, कौन सा सम्मिलित नहीं है, यह आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है, यह आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताएंगे क्या आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा, कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। देखो यदि हम समग्र श्रेणी की बात करते हैं उच्च शिक्षण संस्थानों में, समग्र श्रेणी में मतलब कि सभी में और ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल सही बात है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु प्रथम है, बिल्कुल सही है। इंजीनियरिंग श्रेणी में बात करेंगे, इंजीनियरिंग कैटेगरी में बात करेंगे तो IIT मद्रास इसमें प्रथम पर है, बिल्कुल सही। और प्रबंध श्रेणी में बात करेंगे तो IIT रुड़की नहीं बल्कि IIM अहमदाबाद इसमें प्रथम स्थान पर है। तो कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, यह है डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही तरह से मेल नहीं खाता है। देन नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन कि भाई दी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 भारत के निम्न में से किस शिक्षण संस्थानों को जगह नहीं दी गई है, किस शिक्षण संस्थान को जगह नहीं मिली है। दी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि यहां पर जारी की गई थी, इसमें भारत की किस यूनिवर्सिटी को स्थान नहीं मिला है, यह आपको बताना है, स्थान यहां पर नहीं मिला है, यह आपने बताना है, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। देखो यदि मैं इसमें प्रथम स्थान पर बात करूं तो कौन सी है, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड,
ऑक्सफोर्ड जो कि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है जो कि ब्रिटेन की है, यह तो है प्रथम स्थान पर, ठीक है। यह कौन से है, यह है प्रथम स्थान पर, है ना, यह है प्रथम स्थान पर। और भारत से बात करते हैं तो निम्न में से किसको शामिल यहां पर नहीं किया गया है, किसको नहीं किया गया है, आईआईटी मद्रास को, ठीक है। यदि इसमें हम भारत से आईआईएससी की बात करें तो यह भारत से प्रथम स्थान पर है, फिर उसके बाद आईआईटी रोपड़ और फिर है आईआईटी इंदौर। इन तीनों को यहां पर जगह दी गई है भारत की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर, बट किसे नहीं मिली है, आईआईटी मद्रास को नहीं मिली है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य है, यदि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की बात करें तो इसे पाने में कौन सा राज्य सबसे अंतिम स्थान पर रहा, सबसे लास्ट पर रहा है, यह आपने बताना है, सबसे लास्ट में रहा है कौन सा राज्य है, कौन सा है, बिहार राज्य सबसे लास्ट में रहा है। उसके बाद लास्ट से सेकंड में, लास्ट सेकंड नंबर पर रहा है झारखंड, तो क्या हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई यहाँ पे, कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यदि हम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 से 21 के अनुसार देखें तो। यहाँ पे आपको क्षेत्र दिए गए हैं जिनकी बात की गई है और उनके सामने जिन राज्यों ने अपना बेहतर मतलब कि टॉप परफॉर्मेंस दिखाया उनकी बात करते हैं। इसमें कोई एक है जो कि आपका सम्मिलित नहीं है और वही आप लोगों को पहचानना है कि कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, ठीक है। चलिए, तो गरीबी नहीं मतलब जिसमें की गरीबी सबसे कम देखी गई है कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है, बिल्कुल सही। देन उसके बाद है साफ पानी और सफाई रखने के उद्देश्य में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है, यह है भारत का गोवा राज्य, ठीक है। देन नेक्स्ट, भूखमरी नहीं है, किसमें, केरल राज्य इसमें प्रथम स्थान पर है। अच्छा स्वास्थ्य देने में गुजरात इसमें प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, बी वाला। साफ पानी और सफाई देने में भारत का टॉप पर जो राज्य है वह है गोवा राज्य, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, द नेक्स्ट है हमारा कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है, यदि हम ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करें तो भाई कौन सा यहाँ पर, ठीक है, कौन सा शहर इसमें प्रथम स्थान पर है। यह आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा यह रैंक जारी की जाती है, ठीक है। और इसमें यदि हम बड़े शहरों में बात करें, बड़े शहर मतलब कि जिनमें की आबादी मिलियन से अधिक है, है ना, जिसमें कि क्या है भाई यहाँ पर 1 मिलियन से भी अधिक यहाँ पर आबादी है, यदि हम उन शहरों की बात करें तो उसमें फर्स्ट पर है बेंगलुरु, यहाँ पर पुणे है सेकंड पर और अहमदाबाद है इसमें थर्ड पर, ठीक है। यदि हम मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में बात करें तो, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भाई सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपको कुछ चार कैटेगरी के बारे में दिया गया है और इसमें से कोई एक है जो कि यहाँ पर सही तरह से मेल नहीं खा रहा है और वही आप लोगों को बताना है। चलिए, लैंगिक समानता की बात करेंगे तो इसमें छत्तीसगढ़ फर्स्ट पर आया है, बिल्कुल सही। गुणवत्ता वाली शिक्षा की बात करें तो इसमें केरल प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल सही। असमानता में कमी की बात करेंगे तो इस श्रेणी में मेघालय प्रथम पर है, बिल्कुल सही बात है। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेणी में बात करेंगे तो कौन सा है, गुजरात राज्य भारत का यह प्रथम स्थान पर है, ना कि है महाराष्ट्र, ठीक है। और सम्मिलित नहीं के बारे में ही आपसे पूछा था तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन। चलिए, द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो कि इस बार यहाँ पर 2020 के अनुसार यहाँ पर रिपोर्ट देखी गई है, में छोटे शहरों में जिनमें की मिलियन से कम जनसंख्या है में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है, बताएंगे कौन सा शहर इसमें प्रथम स्थान पर है, यह आपने बताना है, क्या हो जाएगा, शिमला,
शिमला इसमें प्रथम स्थान पर है, सेकंड पर है इसमें भुवनेश्वर, थर्ड पर है इसमें यहाँ पर सिलवासा। यह किस पर है? थर्ड पर है। यदि हम मिलियन से कम संख्या वाले शहरों की बात करें तो देन नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन भाई यहाँ पे कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 से 21 के अनुसार बड़े राज्यों में द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य रहा? बताएंगे कौन सा राज्य इसमें द्वितीय स्थान पर रहा है, यह आप लोगों को बताना है। आंसर कीजिएगा कौन सा राज्य इसमें द्वितीय स्थान पर रहा। चले कौन सा राज्य इसमें सेकंड रैंक पर रहा है, यह आप लोगों ने बताना है। द्वितीय स्थान पर रहने वाला राज्य बताएंगे, द्वितीय स्थान पर रहने वाला राज्य बताएंगे। देखो यदि हम बड़े शहरों की बात करें, मतलब बड़े राज्यों की बात करें, तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा है गुजरात और सेकंड पर रहा है केरल राज्य। और हमसे यही पूछा गया था कि भाई आप ना सेकंड वाले रैंक पर बताओ कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? केरल राज्य हमारा यहाँ पर रहेगा। बट यदि मैं छोटे राज्यों की बात करूं, छोटे राज्यों में बात करूं, तो छोटे राज्यों में फर्स्ट पर है गोवा, ठीक है, और सेकंड पर है मेघालय। सेकंड पर है कौन सा? मेघालय, ठीक है। पॉपुलेशन के आधार पर डिवाइड किया गया है इन्हें। क्लियर है यहाँ पे? हाँ। और ये ध्यान रखना कि यह जो कि रैंक है वह FSSAI के द्वारा यहाँ पर जारी की गई है, और इस बार जो कि 2020-21 वाला यहाँ पर इंडेक्स जारी किया गया है, यह इस बार थर्ड नंबर का इसका एडिशन यहाँ पर जारी किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे कि भाई पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में निम्न में से कौन सा सूचकांक शामिल है? निम्न में से कौन सा सूचकांक यहां पर शामिल है, यह आप लोगों को बताना है। बताएंगे पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो कि यहां पर जारी की गई है, इसमें बताएंगे कि कौन सा सूचकांक भाई यहां पर शामिल है। अब आप लोग फिर से अपना यूनिवर्सल वाला, फिर से आप लोग अपना सरकारी ऑप्शन चूज करेंगे, और वह कौन सा है? ये सभी बिल्कुल समानता, वृद्धि और संधारणीय, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका समानता, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, इन तीनों पर यह रैंक यहाँ पर जारी की जाती है। द नेक्स्ट है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? छोटे राज्यों की बात की गई है, यह जो रैंक है वह आप लोगों की बड़े राज्यों, ठीक है, और छोटे राज्यों में जारी की गई है, छोटे राज्यों में जारी की गई है। और छोटे राज्य में पूछा गया है आप लोगों से क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, बताएंगे छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? गोवा राज्य। कौन सा है? गोवा, ठीक है। गोवा इसमें फर्स्ट पर है, सेकंड पर है मेघालय, ठीक है। और यदि मैं बड़े राज्यों की बात करूं तो केरल इसमें फर्स्ट पर है और तमिलनाडु है इसमें सेकंड पर। आपको पता है ये याद रखना, ये जो इंडेक्स मैं आप लोगों को करा रही हूं ना, इन्हें याद रखना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल इनको पड़ेगा आप लोगों को याद करना, बट ये याद करना होगा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई कि नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक भारत में किस मंत्रालय के द्वारा यहां पर जारी किया जाता है? यह रैंक किसके द्वारा जारी की जाती है, यह आप लोगों को बताना है। बताएंगे यहाँ पे, और यह रैंक भी दो में जारी की जाती है, एक तो मिलियन से ज्यादा वाली पॉपुलेशन में और एक मिलियन से कम वाली पॉपुलेशन में यहाँ पर यह रैंक जारी की जाती है। चलिए बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर आपका रहेगा, बताएंगे क्या आंसर भाई हमारा यहाँ पे आपका रहेगा, किसके द्वारा जारी की जाती है यह रैंक आपका? आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा यहाँ पर जारी की जाती है। चलिए बात करते हैं आगे कि नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार एक मिलियन से ज्यादा जनसंख्या वाले नगर पालिका में सबसे खराब प्रदर्शन किस नगर पालिका का रहा? ठीक है, देखो मैंने आपको बताया ना कि छोटे और बड़ों में यह जारी की जाती है, बड़े और छोटे। बड़े कौन से होंगे? बड़े वो होंगे जिसमें कि एक मिलियन से ज्यादा हो, और छोटे कौन से होंगे? जिसमें कि एक मिलियन से कम हो, ठीक है, उसमें यहां पर जारी यह रैंक की जाती है। चलिए तो इसमें यदि मैं सबसे अच्छे प्रदर्शन की बात करूं
तो सबसे बड़ों में इंदौर, इंदौर सूरत, इंदौर और सूरत, इंदौर फर्स्ट पर और सूरत सेकंड पर रहा है, ठीक है। और यदि मैं छोटों में बात करूं तो कौन सा यहां पर है, नई दिल्ली और तिरुपति, नई दिल्ली और तिरुपति, और तिरुपति, नई दिल्ली प्रथम पर है, फर्स्ट पर, और यह है सेकंड पर। और सबसे खराब की मैं बात करूं तो 1 मिलियन से ज्यादा वाले में, 1 मिलियन से ज्यादा वाले में गुवाहाटी क्या है, सबसे खराब प्रदर्शन पर आया है, सबसे लास्ट में आया है। और 1 मिलियन से कम वाले में सबसे खराब प्रदर्शन की बात करूं तो उसमें शिलोंग आया है, ठीक है। यदि 1 मिलियन से कम, मतलब कि यहां पर छोटे नगर पालिकाओं वालों की बात करें तो उसमें शिलोंग इसमें आया है सबसे लास्ट में। चलिए द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत नवाचार सूचकांक 2.0 के अनुसार पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा, प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य यहां पर रहा, बताएंगे। यह जो रैंक जारी की गई है ना, यह जो कि रैंक जारी की गई है, एक तो यह है ओवरऑल राज्यों में, फिर पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर और पहाड़ी वाले राज्यों में, और फिर है यहां पर केंद्र शासित प्रदेश में। इन तीन में यह रैंक यहां पर जारी की गई है। सबसे पहले पहाड़ी वाले राज्य में बात करें तो प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर यहां पर रहा है, ठीक है, प्रथम स्थान पर यहां पर आपका रहा है। उसके बाद राज्यों में बात करेंगे तो कर्नाटक हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यहां पे हम देख ही चुके हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे तो दिल्ली और लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप, ठीक है। अब जैसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसके अनुसार ही आप लोग यहां पर आंसर कर दीजिएगा, ठीक है, क्लियर है चीजें। अच्छा इसमें ध्यान रखना, सॉरी, लक्षद्वीप इसमें सेकंड पर नहीं था, अंतिम था, लास्ट में था। यदि मैं लास्ट की बात करूं तो लास्ट में था लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इसमें लास्ट में था, बाकी सभी सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भारत नवाचार सूचकांक 2.0 के अनुसार समग्र रूप से कौन सा राज्य, समग्र रूप से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर आया है। यदि मैं ओवरऑल की बात करूं तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर आया है, तो क्या हो जाएगा यहां पे आपका कर्नाटक राज्य, क्या हो जाएगा यहां पे कर्नाटक राज्य। चलिए स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे अंतिम में कौन सा यहां पर आया है, सबसे अंतिम में यहां पर कौन सा आया है, बताएंगे जल्दी से। सबसे अंतिम में कौन सा शहर यहां पर आया है, सबसे अंतिम में भाई कौन सा शहर यहां पर आया है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले में यदि हम बात करें सबसे अंतिम पर कौन सा यहां पर आया है। देखो फर्स्ट की हम लोग जानते ही हैं, फर्स्ट पर कौन सा, इंदौर है, ठीक है। सेकंड पर कौन सा है, सेकंड पर है सूरत, यदि मैं टॉप की बात करूं तो। और थर्ड पर कौन सा है, यह है नवी मुंबई, नवी मुंबई थर्ड पर है, ठीक है। और यदि सबसे लास्ट की बात करेंगे तो कौन सा आया है, पटना, कौन सा आया है, पटना आया है, जो कि यहां पर 47 रैंक पर आया है लास्ट में। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे कि भाई एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से 21 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा, बताएंगे। यह जो कि रैंक यहां पर जारी की जाती है वह स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा यह रैंक भारत में यहां पर जारी की जाती है। और इस रैंक में प्रथम स्थान पर आप लोगों से पूछा गया है कौन सा यहां पर आया है प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान पर कौन सा आया है, मध्य प्रदेश, ठीक है। यह रैंक इस बार दूसरी बार यहां पर जारी की गई है, और पिछले साल भी जब यह पहली बार रैंक जारी की गई थी तभी भी मध्य प्रदेश टॉप पर था, और इस बार फिर से मध्य प्रदेश टॉप पर आया है। सेकंड नंबर पर बात करेंगे तो उड़ीसा राज्य आया है, ठीक है। और यदि मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो कौन सा आया है, हिमाचल प्रदेश इसमें थर्ड पर आया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे, द नेक्स्ट भी हमारा कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से 21 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश रहा, बताएंगे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश यहां पर
रहा। चलिए, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश यहां पर रहा, यह आप लोगों को बताना है। क्या हमारा आंसर यहां पे रहेगा? देखो, यदि मैं पूर्वोत्तर वाले राज्यों की बात करूं, पूर्वोत्तर वाले राज्यों की बात करूं, तो उन राज्यों में एनीमिया मुक्त रैंकिंग में अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर आया, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो इसमें प्रथम स्थान पर आया है अंडमान निकोबार। कौन सा आया यहां पे? अंडमान निकोबार इसमें भाई यहां पर प्रथम स्थान पर यहां पर आया है। क्लियर है, चीजें याद हो जाएंगी आपको। प्रथम स्थान पर यहां पर यह आपका आया है, ठीक है। प्रथम स्थान पर यहां पर यह आया है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं यहां पे। चलिए, द नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिएगा जरा, क्या आपका आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। आज की जो क्लास है ना, यह है मैंने भारत के अंदर जो कि यहाँ पर रैंकिंग जारी की गई है ना, इनके ऊपर ही आप के यह क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपको कराए हैं। चलिए बताएंगे क्या हमारा यहाँ पे भाई आंसर अपना रहेगा। बताओगे क्या यहाँ पे अपना आंसर रहेगा? बताएंगे? चले, अच्छा, इसके साथ ही एक चीज और ध्यान रखना, ये जो अपना पहला क्वेश्चन था ना, यहाँ पे एफडीआई प्राप्त करने में, इसमें ध्यान रखना कि इसमें एफडीआई प्राप्त करने में ना गुजरात राज्य प्रथम स्थान पर होगा, ठीक है। गुजरात राज्य करना क्या हो जाएगा? गुजरात राज्य, गुजरात राज्य यहाँ पर प्रथम स्थान पर रहा एफडीआई प्राप्त करने में, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान पर यहाँ पे आपका रहेगा। चलिए, द नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, जो कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, इसका जरा आंसर कीजिएगा, क्या अपना आंसर रहेगा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में यदि हम बात करें तो यहाँ पर इस वर्ष जून में इसका कौन से नंबर का संस्करण यहाँ पर जारी किया गया था? बताएंगे, जारी यहाँ पर किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस बार इनका थर्ड नंबर का एडिशन यहां पर जारी किया गया था, जिसके अनुसार पंजाब, जिसके अनुसार यहां पर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में पंजाब यहां पर प्रथम स्थान पर यहां पर रहा। क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान पर। सेकंड की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है। और यदि थर्ड की बात करेंगे तो कौन सा राज्य है यहां पर? तमिलनाडु हमारा राज्य है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु यहाँ पे हमारा राज्य है। जिन्होंने यह क्लास नहीं की है ना, एक बार स्टार्टिंग से इस क्लास को कर लेना भाई, क्योंकि ये जो रैंकिंग जो कि मैंने आप लोगों को कराई है, ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 28 इसमें क्वेश्चंस हैं, और भारत के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रैंकिंग है उसके बारे में पूरा यहाँ पर मैंने आपको कराया कि स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित है ना, सतत विकास लक्ष्य से संबंधित, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स से संबंधित, भारत के अंदर जो सरकार रिपोर्ट जारी की गई है उनके आधार पर ही मैंने यह क्वेश्चंस आपको कराए हैं, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे अपना गुजरात रहेगा, ठीक है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जिसने की सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है यहाँ पर, वह कौन सा राज्य है? कर्नाटक नहीं है, बल्कि कौन सा है? गुजरात राज्य है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुजरात राज्य यहाँ पर है, ठीक है। चलिए, आज के क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। सेशन आपको अच्छा लगा तो एक बार ऑफलाइन कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल अपनी क्लास में, ठीक है, लाइव सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, साथ ही ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे कि ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा। वैसे तो खैर यूजफुल ही है, तभी मैंने सेशन किया है आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग बताएंगे कि चीजें अच्छे से आपको क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं जल्दी ही लाइव सेशन में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड जय हिंद जय भारत।